Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Everyone, welcome to the world of divine vastu. मैं हूँ आरजी सुनीता राज, आप सभी को करती हूँ प्यार भरा नमस्कार. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेवा कुमार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. आप हमें सुन ही सकते हैं 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट पर, 13:10 AM न्यू जर्सी पर और 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी पर. पर इसके अलावा रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज पर लाइव आप हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ते ही रहिएगा हमेशा. अगर ये शो कभी आप मिस कर देते हैं या लेट जुड़ते हैं, नो वरीज, यू कैन गो एंड रीविजिट द पेज एंड लिसन टू द होल शो एंड लुक एट द शो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट रेवा जी. हर नंबर इज 5108683338. worldofdivinevastu.com ये वेबसाइट है जहां पर आपको रेवा जी की सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी. तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं रेवा जी का. जय माता दी. रेवा जी कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. जी हमेशा की तरह, हर गुरुवार की तरह रेवा जी जब भी आप आती हैं, एक बढ़िया सा टॉपिक हम लेकर आते हैं अपने साथ. और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव एनर्जी एज पर वास्तु एट योर होम एंड रिमूव देम. तो नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट ऑल्सो रिमूव देम विद द हेल्प ऑफ वास्तु. तो इसके बारे में रेवा जी हमें बताएंगी आज. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया हमेशा की तरह सुनीता आपने. सबसे पहले तो लगता है कि हमारे व्यूअर्स लिसनर्स दिवाली की सेलिब्रेशन जो कर करके, मैं ये नहीं कहूंगी कि एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बट दे रियली एंजॉयड दैट टाइम, यू नो, इवन मी टू. तो अभी भी सबके दिमाग में चल रहा है, साथ ही साथ कोई ना कोई फेस्टिवल्स के मुताबिक में नाउ दे पीपल आर वेटिंग फॉर थैंक्सगिविंग के बाद में क्रिसमस का मूड, तो ये सब चल ही रहा है. काफी पॉजिटिव कह सकती हूँ मैं इसको. फिर भी समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि इतने अच्छे फेस्टिवल्स आते हैं, सब कुछ है, हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हमारा जोश भी होता है फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ, बट स्टिल समटाइम्स आई हैव सीन कि जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन या उसे एक दिन पहले या उस दिन कहीं ना कहीं घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है. प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं कि बेवजह ही आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, कोई ना कोई बच्चों के साथ इश्यू हो जाएगा या कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है. इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि क्या बात है कि इतना अच्छा फेस्टिवल मूड है. क्योंकि मैं इसलिए ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ आज, दिवाली के समय पे मेरे पास में काफी कॉल्स उस समय भी लोगों की आई, क्लाइंट्स की आई कि रेवा जी पता नहीं क्या हो गया है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, आज हस्बैंड से आर्ग्यू हो गया, किसी का हो गया जी, बेबी को देख लीजिए, बच्चे हैं, दे पीपल आर नॉट रेडी टू सिट विद अस, मींस देयर आर दीस टाइप ऑफ इश्यूज. उससे क्या होता है कि आपका मूड खराब हो जाता है. और किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक कामनेस होनी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं. वैसे भी इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स को काउंट करें अगर हम, तो उनके पीछे में स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन आता है हर चीज के साथ. तो उसी के मुताबिक में देखें तो हमारे को क्या रीजन है कि हम बहुत नेगेटिविटी पाते हैं, दैट वी हैव टू सी. अब नेगेटिविटी सिर्फ इस चीज को भी नहीं लेंगे, हमारे घर में व्हाट्स द रीजन, मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को सभी लिस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ क्या क्या कॉजेस होती हैं जिससे आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी है, या अगर आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो आपको मालूम हो कि ड्यू टू दिस दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी एंड यू शुड कंसल्ट विद एनीबॉडी टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन.
क्योंकि उसका सलूशन है, ऐसा नहीं है कि सलूशन नहीं है, वही आज हम आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले इफ यू सी कि क्या फिगर में कोई बहुत रेगुलर बीमारी नहीं जा रही है, कंटिन्यूसली वो बीमार है, या कहीं पे भी किसी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा सुनीता की ड्यू टू दैट इलनेस या सिकनेस या कोई ऐसी बीमारी की वजह से आपका सारा घर का एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत नेगेटिव हो गया, इट मींस देयर इज समथिंग अ नेगेटिव एनर्जी व्हिच इज ट्रैवलिंग इन योर हाउस। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने बहुत अच्छा कंपनी कोई स्टार्टअप किया या आपने बहुत अच्छा करियर लिया, लेकिन आपका वो लाइफ स्ट्रगल हो गई है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे अपने करियर में, या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, यू गाइज आर वर्किंग हार्ड डे नाइट, यू आर इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी बट द रिजल्ट इज जीरो, व्हाट इज द कॉज, क्या कारण है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग नेगेटिव, क्या रीजन है, हम बात करेंगे। थर्ड में लेकर आ जाते हैं कि आपके बच्चों के साथ में है, आपने बहुत भगवान से मन्नत मान के अपने बच्चों के लिए आप सोचते हैं कि आपके बच्चों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करें, बच्चे किसी नेगेटिविटी में नहीं जाएं, लेकिन बच्चों को किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, टीनेजर्स हैं, आज का बहुत ज्यादा इंटरनेट है, टीनेजर्स है किसी किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे हैं क्यूरियोसिटी में कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, सो दैट्स व्हाई दैट इज इफेक्टिंग, उसका कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम लेकर चले जाते हैं आपके पर्सनल रिलेशन में है कि आपके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंने रिसेंटली भी एक विजिट किया, मैंने देखा द हस्बैंड वाइफ वाज सेइंग सुनीता कि जब हम घर से बाहर होते हैं रेवा जी, हम लोग इतने अच्छे होते हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे लगते हैं दैट वी आर द बेस्ट कपल एंड वी आर ऑन सेवंथ मून, हम लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होते हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, हम एक दूसरे के नजदीक बैठने की बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जैसे ही हम अपने इस घर में आते हैं और खासकर अपने बेडरूम में आते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मींस कि हस्बैंड का मुंह एक तरफ होता है, उनका मुंह वाइफ का अलग हो जाता है, अगेन इट मींस देयर इज अ नेगेटिविटी इन द हाउस, दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग। नेक्स्ट हम लेने के लिए जा रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम है, या आपके अपने एम्प्लॉयज के साथ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके पास आते हैं, आपसे काम सीखते हैं, उसके बाद वो ही आपको मिसयूज कर रहे हैं, आपका पार्टनर है, आपने बहुत अच्छा अपने पार्टनर पे ट्रस्ट किया, या आपने ट्रस्ट किया उसने ट्रस्ट किया, तभी पार्टनरशिप चलती है, लेकिन एक मोड़ पर आकर उस पार्टनरशिप में इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि आप कहीं पे भी एक दूसरे को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है, और आपका बिजनेस या आपकी जो भी कंपनी है हर तरह से ठप होती जा रही है। नेक्स्ट आ जाती है नेगेटिविटी कि कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रॉब्लम्स, अनवांटेड प्रॉब्लम्स मींस कि आपके अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से घर में सेविंग ही नहीं है, आप सोचते हैं कि इस मंथ तो हम बहुत पैसा सेव करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई लिस्ट आ जाएगी आपके पास में, चाहे आपके अपने कंट्री से या कहीं से भी, ए बी सी डी, मैं कहना चाहूंगी कि आपके एक्सपेंडिचर अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और आप कुछ नहीं सेव कर सकते, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है, डेब्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो भी स्ट्रेस है, लिटिगेशंस अगर कोई आ गई है, लिटिगेशंस में इवन कि कभी आपके बच्चे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनकी वजह से भी, सो ऑल दीज थिंग्स इफ आर हैपनिंग इन आवर लाइफ इट मींस देयर इज नेगेटिव एनर्जी, उस घर के अंदर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। जी तो सबसे पहले जी सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू रिवा जी, यहाँ हमारे लिसनर्स व्यूअर्स जो थोड़ा हो सकता है थोड़ा बाद में जुड़े हों हमारे साथ, उन सबको मैं एक बार बता दूं कि ऑफ कोर्स आप जुड़े हुए हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में रिवा कुमार के साथ में, जो लेकर आती हैं अपने साथ 38+ years का एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ वास्तु। ये ना सिर्फ कमर्शियल वास्तु करती है बल्कि रेसिडेंशियल वास्तु में भी एक्सपर्ट हैं ये, और आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव एनर्जी and not only identify but also remove negative energy with the help of vastu. Of course, agar aapke paas mein koi follow-up questions ho, aap detail mein consult karna chahte ho, you can reach Reva ji at this number 510-868-3338. Ji, let's continue Reva ji. Next aa jata hai ki jaise ki abhi humne hi baat hi kari thi isi ki kya kya reason aate hain. अब हमको ये सब जरूर देखना है कि अगर ये सबसे पहले तो व्यूअर्स आप ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव एनर्जी इज नॉट ए ब्लैक मैजिक,
कि कहीं आप सोच रहे हमारे यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दिस. नजर नजर कहते हैं ना, बहुत लोग बिलीव करते हैं नजर लग गई. ये एक्चुअली क्या है कि आवर होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर. Everybody knows, and that is air, water, earth, fire, space. The same thing, our dwelling is also based on five elements of nature. अब आपकी जो universal की nature की जो energy है, वो energy आपकी dwelling के ऊपर travel करती है. अब जो हमारी दीवारों में वो energy है, वो dwelling में जो energy है, वो आपकी body, because our body is also made of five elements of nature. So it has to balance. वो balance करना है आपने energy को. बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपका बिल्कुल घर खाली, अभी आपने फर्नीचर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, अगर आप उस घर में आएंगे आवाज में इको आएगी, मींस कि व्हाट एवर वी से वी आर गेटिंग बैक फ्रॉम दोस वॉल्स, वो वाइब्रेशंस आती हैं, वो आपको इको आती है. तो आप यही देखिए, जब हमारी जो फाइव एलिमेंट जो यूनिवर्सल से जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वो जब हमारी ड्वेलिंग में आ रही है जहां हम आ रहे हैं, तो नेचुरली वहां से भी इको आएगी. अब वो एनर्जी को, जब उस एनर्जी को, उस एलिमेंट को अपनी जगह नहीं मिलेगी, तो वहां पर नेगेटिविटी होगी ही होगी. बहुत तरीके के साथ में, अगर हमारा वाटर एलिमेंट के एरिया में, अगर मैं वहां फायर एलिमेंट को लेकर आ जाऊं, तो नेचुरली है कि वो फायर वाटर को एनर्जी खत्म हो जाएगी, बिकॉज वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर. वी हैव टू सी कि वेयर वी आर गेटिंग दिस डिफेक्ट्स. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमारे घर में, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया हेल्थ इश्यूज हैं, कि जो ठीक नहीं होता क्या है. अगर कोई भी इंसान बीमार है, या अगर आपके घर से बीमारी नहीं जाती, तो आप ये देखिए कि आपके घर के सेंटर में क्या है. सेंटर में अगर स्टेयर्स के नीचे बाथरूम होगा, या सेंटर में अगर किचन होगी, अगर आपके घर का जो सेंटर है वो डिप्रेस होगा, तो उस घर में कहीं ना कहीं बीमारी सिकनेस रहेगी ही रहेगी. अलोंग विद दैट, इफ यू कीप मेडिसिन, अब आप कहते हैं कि जी हम तो ले रहे हैं मेडिसिन, लेकिन हमारे को मेडिसिन फायदा नहीं दे रही है. क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन अगर आप अपने किचन में रख लेते हैं, सामने रखे हैं जहां आपका खाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन भी वैसे ही खाएंगे जैसे आप खाना खाते हैं सारा दिन. नेवर कीप योर मेडिसिन, चाहे वो आपके सप्लीमेंट्रीज हैं, चाहे वो आपके टॉनिक्स हैं, चाहे वो आप अपनी किसी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, कभी भी मेडिसिन को किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए. उन मेडिसिन की एक पर्टिकुलर जगह होती है, एंड दैट इज फर्स्ट यू हैव टू चूज, बस यू हैव टू सिलेक्ट कि दोज मेडिसिन जो आप डेली बेसिस पर मेडिसिन लेते हैं, जो आपको रोज लेनी है और वो एक्सपायरी नहीं हो, कि डेट के पास में ना हो, उन मेडिसिन को जितना भी आप मेडिसिन को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए लेंगे, उतनी ही जल्दी आपको फायदा होगा. इसके साथ साथ मेडिसिन को जब भी लेना है, कोशिश कीजिए कि अगर आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीते हुए मेडिसिन को लें, क्योंकि सिल्वर आप कामनेस लेकर आता है, और किसी भी मेडिसिन को लेना तो आपके बॉडी के ब्लड के साथ में जुड़ी हुई है, जिसको हम फायर के साथ में काउंट करते हैं. तो उसको काम करने के लिए, उस मेडिसिन का फायदा लेने के लिए, वहां के लिए बेटर है कि अगर आप चांदी के ग्लास में, सिल्वर ग्लास में पानी लेते हुए मेडिसिन लेते हैं, एक तो वो फायदा देती है. दूसरा, कभी भी अगर कोई बीमार है, तो उसका देखिए कि सोने की पोजीशन क्या है, वाइल्ड स्लीपिंग उनका हेड की पोजीशन क्या है. देर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू अवॉइड. दे शुड नॉट हैव मिरर इन देयर बेडरूम. आवर बॉडी शुड नेवर रिफ्लेक्ट इन मिरर. सेकेंडली, वाइल्ड स्लीपिंग द हेड हैज टुवर्ड्स साउथ एंड फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि एनर्जी जो ट्रेवल करेगी वो फीट टू हेड करेगी. थर्ड, वाइल्ड स्लीपिंग, खास सर पे, जैसे कि बेड की पोजीशन है, और अगर आप लेते हैं तो आपके जो पाँव है आपके बेडरूम के डोर को सीधा स्ट्रेटली बिल्कुल सामने बिल्कुल पॉइंटेड नहीं करने चाहिए, या अगर आपके डोर से आपका बेड भी इमिजिएटली विजिबल नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर ये सब चीजें हैं तो उनका भी सोल्यूशन है हमारे पास में, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वी आर हैविंग सॉल्यूशंस. नेक्स्ट है कि अगर आप ये देखते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत इश्यूज है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप हमेशा अपने रूम का सेटअप कीजिए. जिस रूम के अंदर में वाटर रिलेटेड पेंटिंग होगी, वाटर रिलेटेड कोई पिक्चर होगी, या वाटर एलिमेंट होगा, जैसे कई लोग बेडरूम में फ्रिज भी रख देते हैं,
अब देखिए वहां पर आर्गुमेंट्स होंगे ही होंगे, लोगों को ये आलस हो जाता है, ओ मैं कहाँ पानी लेने के लिए नीचे जाए ऊपर जाए, ये दे वांट टू पुट ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, जी नहीं, इट शुड नेवर बी इन योर बेडरूम। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर होना कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, यहाँ तक कि मैं यहाँ ये एडवाइस देती हूँ कि इवन मैं आप अपने ऑफिस का भी कुछ काम कंप्यूटर पे करना चाहते हैं तो वो अपने बेडरूम पे अपने बेड के ऊपर में बैठ के मत करें। अगर आप सोचते हैं कि आपके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उसका क्या कारण, ये भी है कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा के अगर अपने बेडरूम पे बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू वॉच टीवी, आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपके आपको पॉजिटिविटी नहीं देंगी व्यूअर्स, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। सो मेक योर हैबिट्स, ये बिल्कुल अपनी हैबिट्स को, और वही हैबिट्स आपके आपके बच्चे फॉलो करते हैं। मैं देखती हूँ जब भी विजिट करती हूँ कि बच्चों के साथ में इश्यू है, अब वो कहाँ से उन्होंने आदत ली, वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से ली। तो ये आप देखिए कि हमें पर्टिकुलर हर टाइम के लिए हर चीज के लिए हमें एक जगह बनानी है कि हम उससे फायदा उठाए। और जो आप बता रहे हैं रेवा जी, वो तो आई थिंक घर घर की कहानी है, आजकल हर बेडरूम में टीवी होता है, बेड पे खाना खाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, यही इनको अवॉइड करना है। आप देखिए जहां पर आप बेडरूम में बेड पे खाना खाते हैं वहां आर्ग्यूमेंट्स उस घर में होंगे ही होंगे। आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप जस्ट ट्राई टू फॉलो इट, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो जिंदगी का तजुर्बा है, लेकिन उसके साथ में मैं आपको बहुत सिंपल वे से रेमेडीज दे रही हूँ। और अगर आप ये सोचते हैं कि सब करने से आपको ठीक महसूस होता है तो इट मीन्स कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर आके आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जहाँ पे अनवॉन्टेड एक्सपेंडिचर्स है, अब अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स का भी क्या, वो भी हमारी ही क्यों इक्वेशंस आ जाती हैं, क्योंकि वो भी वास्तविक हैं। उसका रीजन हो जाता है अगर हमारे टॉयलेट की सीट को हमेशा बंद करके रखिए, क्योंकि वो एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करके वहां से नेगेटिविटी की स्मेल आती है। तो आपको नेगेटिविटी नहीं देनी है, जितनी चीजें इवन कि मैं यहाँ तक एडवाइस करती हूँ कि अगर आपने घर में कोई वासेस रखे हुए हैं, कुछ रखे हैं, बेटर टू कवर देम, क्योंकि वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी एनर्जी को डिजर्व एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप उसमें फ्लावर्स लगाएंगे तो वो फायदा रहेगा, लेकिन अगर आपने खाली वासेस डेकोर के लिए रखे हैं तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपने घर में ग्रोथ लानी है ना कि ग्रोथ को ड्रेन करना है। और अगर आप सोचते हैं कि उसमें फ्लावर्स नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आपको ऊपर से टॉप से किसी छोटे से कवर के साथ भी आप उसको कवर कर सकते हैं, मींस कि ये हॉलो नहीं है, ये पूरा है, ताकि आपकी एनर्जी घर में ट्रेवल कर रही है। लक्ष्मी जी की आप लोग पूजा कर ही रहे थे दिवाली के दिनों में, तो कहीं ना कहीं देखा होगा कि आप लक्ष्मी जी की पिक्चर देख रहे हैं कि वो जो मनी है, कॉइन्स है, गोल्ड है, वो लक्ष्मी जी के मटके से बाहर आ रहा है, मींस कि इतनी ग्रोथ है। This is what we expect कि आपके घर में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो, इतनी ग्रोथ हो कि आपके मटके से, मतलब कि आपके हर लॉकर से, आपके पर्स से पैसा बाहर आए पॉजिटिव तरीके से, ना कि नुकसान की तरह से। तो आदत बनाइए कि घर के जितने बाथरूम हैं, जितने टॉयलेट सीट्स हैं, वो बिल्कुल कवर करके बंद करें, जब भी यूज किया यूज करने के बाद में आप सीट को ढक दीजिए, ताकि कहीं पे वो ड्रेन पॉजिटिव एनर्जी हमारी ड्रेन नहीं हो। नेक्स्ट आ जाता है कि जहां पर हम देखते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा डेट्स है या लिटिगेशंस है या इश्यूज हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको अपने घर का लॉट का शेप देखना है। कोई भी घर की शेप 90 डिग्री एंगल से कम नहीं होनी चाहिए, ऑल फोर कॉर्नर्स हैज टू बी ऑन 90 डिग्री एंगल। जिस घर का भी साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कहीं भी आप कह सकते हैं कि गड्ढा होगा या साउथ ईस्ट आपका एलिवेटेड हो जाएगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा लिटिगेशंस आएंगी, कहीं ना कहीं आपको सोशल सर्कल से प्रॉब्लम आएगी, आपको आईआरएस की प्रॉब्लम आएगी, डेट्स होने शुरू हो जाते हैं, अनवॉन्टेड केसेस आ सकते हैं। सो दिस यू हैव टू सी। बहुत ही कम समय में मैं आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
कभी कभी तो पहचान में ही नहीं आती, जैसे आपने बताया ना, आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छा आज अच्छी तरह से समझाया रेवा जी कि हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड देन हाउ टू रिजॉल्व और हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वास्तु। और जैसे आप बता रही थी रेक्टिफिकेशन, तो मैं यहाँ हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में रेवा जी की यही एक्सपर्टीज है, यही खासियत है कि रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं कहती, बट दे शी हैज डिवाइन टूल्स। और वो पर्सनली, ये नहीं कि अमेजोन से खरीद लिया या कहीं और से खरीद लिया, पर्सनली आपके सिचुएशन आपके हिसाब से उस डिवाइन टूल को बनाया जाता है, उसमें वो एनर्जाइज किया जाता है उसको और फिर आपको दिया जाता है। सो इफ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस और इफ यू वुड लाइक टू कंसल्ट रेवा जी ऑन एनी ऑफ द थिंग्स यू माइट बी गोइंग थ्रू सम नेगेटिव एनर्जी इन योर प्लेस, देन प्लीज डू रीच आउट टू हर। हर नंबर इज 510-868-3338। तो चलिए हम भूले नहीं है, जाते जाते हम एक टिप देकर जाते हैं हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को। रेवा जी हमेशा बहुत बढ़िया टिप देती है, तो आज हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हाउ टू बी इमोशनली स्टेबलाइज योर सेल्फ, हाउ टू इमोशनली स्टेबलाइज योर सेल्फ विथ दी ब्लेसिंग्स ऑफ लूनर इक्लिप्स, तो इसके बारे में रेवा जी बताएंगी। बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि बहुत बड़ा लूनर इक्लिप्स आ रहा है एंड दैट इज नवंबर 8 and it is visible in North America, LA में बिल्कुल visible है, अमेरिका में ये visible है, एशिया में काफी countries में visible है, यूरोप में visible है। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा लूनर एक्लिप्स जो इस बार आ रहा है, इसको जिसको इस दिन फुल मून भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तिक की पूर्णिमा। लिसनर्स, थोड़ा सा मैं आपको एक बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आप कह सकते पुराण में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में भी लिखा है, कार्तिक फुल मून जो होता है, कार्तिक की पूर्णिमा का जो मून होता है उसको हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कार्तिक की अमावस को हमने दिवाली मनाई, कार्तिक की पूर्णिमा में देव लोग दिवाली मनाते हैं, मतलब वैकुंठ भगवान जितने भी देवों की दिवाली होती है। अब उस दिन अगर लूनर एक्लिप्स है, जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा का ग्रहण है, तो इट मीन्स कि हमारे देवों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये लूनर इक्लिप्स इस बार बहुत ही पावरफुल आ रहा है, कोई भी लूनर होगा हमारी एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। देवा जी आपने तारीख क्या बताई? 18th नवंबर है इसका, और खास तौर पे ये हमारे अमेरिका में बिल्कुल विजिबल है, एलए में बिल्कुल क्लियर विजिबल है, पूरे वर्ल्ड में कभी हमें सोचिए कि जहां पर विजिबल होगा वहीं पे ही इसका फायदा और नुकसान कुछ भी होगा। हर लूनर का, हर इक्लिप्स चाहे वो सोलर हो चाहे लूनर हो, हर इक्लिप्स का पूरे वर्ल्ड में ही होता है उसका फायदा नुकसान। जहां पे विजिबल होता है वहां ज्यादा होता है, जहां विजिबल नहीं होता वहां कम होता है। और ये हम सब जानते हैं कि लूनर जो मून प्लैनेट है वो हमारी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पे मैं इस समय अपने सभी, क्योंकि समय कम है, फिर भी अगर आप इसके पूरी डिटेल चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस कम समय में मैं कुछ जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। ये लूनर एक्लिप्स बहुत ही पावरफुल है इस बार, खास तौर पे आपको जितने भी सभी जॉडियक के साइन वाले हैं उन सब के सब जॉडियक साइन वालों के लिए मैं बताना चाहती हूँ आपको इमोशनली कैसे स्टेबल रहना है, क्योंकि ये आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा है। और इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसका हम कल से ही काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स की कल फ्राइडे से लेंगे। अच्छा, इस फ्राइडे से लेके थर्सडे नाइट तक, मतलब कि फ्राइडे मॉर्निंग तक में इसका असर रहेगा। इसमें खास तौर पे यू हैव टू सी कि अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में या आपको गुस्सा आना शुरू हो गया है, सभी जॉडिक साइन के लिए मैं जनरल बता रही हूँ, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। खास तौर पे आपको किसी से मतलब रैश नहीं बोलना, आपको किसी को गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो लूनर एक्लिप्स की है ये आपसे करवा सकती है। और अगर आप इस टाइम पीरियड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि इसका बहुत ही नुकसान होगा, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर दैट 2 वीक्स के बाद में December 4th को सोलर एक्लिप्स आ रहा है। और अगर हम इस लूनर एक्लिप्स की जो भी नेगेटिविटी है, अगर अभी हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उसके बाद में जो सोलर एक्लिप्स आ रहा है वो भी हमें नुकसान देगा, जिसका असर हमारे पास नेक्स्ट लूनर एक्लिप्स जो May 22 में आएगा, तब तक आपको उन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है।
तो मेरी सबसे एल्डरली यही एडवाइस है कि यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, योर इमोशंस. किसी को भी क्रिटिसाइज बिल्कुल मत कीजिए. एक हफ्ता 10 दिन के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए. इफ यू थिंक कि मुझे इसको कुछ कहना है, प्लीज मत कहिए. अगर आपको कहने को मन करता है, बाथरूम में जाइए, दरवाजा बंद करिए, शीशे में मिरर में खुद देखिए, खुद को कह दीजिए ये सोच के कि आपने कहा है. लेकिन आप किसी को नाराज मत करिए. स्पेशल दिस इज रिलेटेड विथ योर मदर. ये आपकी मदर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा में जिसमें हम माँ के साथ में जुड़ा हुआ इसका काउंट करते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर. अपने मदर को जितना रेस्पेक्ट दे सकते हैं उतना ही आप दीजिए, उतना ही आपको फायदा होगा. कहीं आप किसी से गलत बात मत बोलिए, क्रिटिसाइज किसी को बिल्कुल मत करिए, किसी से गुस्सा बिल्कुल मत करिए. कहीं पे भी अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी से किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है, तो भी आपको अपने आप को कामनेस में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाना है. खास तौर पे मदर के साथ में पानी के लिए आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वाटर के रिलेटेड एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है. इसके लिए डोंट वेस्ट योर वाटर, एटलीस्ट 1 वीक को देखिए. ये जो मैं आज आपको स्पेशल बता रही हूँ, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, सभी के लिए है. और आप खुद महसूस करेंगे कि वट एवर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु हैज शेयर विथ यू, रिमार्केबल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. पानी को आपने वेस्ट नहीं करना. मिल्क, वाटर, राइस इज द बेस्ट टू डोनेट इन दिस डे ऑन 18th November. दिस इज अमेरिका में 18th November है, लेकिन इंडिया का जो टाइम आ रहा है दैट इज 19th November को हो रहा है. लेकिन आपको अगर यहाँ पर अमेरिका में है तो आपको उस दिन डोनेट क्या करना है, 3 चीजें डोनेट करनी है. जितना भी आप वाटर डोनेट कर सकते हैं, जितना अगर आप मिल्क डोनेट कर सकते हैं, राइस डोनेट कर सकते हैं, उतना ही आप फाइनेंशियली अपने आप को फायदा कर सकते हैं. Along with it, आप ये सोचते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके लिए खास तौर पे जिस समय इसका टाइम होता है, लूनर एक्लिप्स का जो समय है, उस समय के अंदर में पर्टिकुलर 1 घंटा 2 घंटा कोशिश कीजिए. खास तौर पे अगर आपके घर के बाहर में किसी पेड़ के पास मगर एंट्स हैं, तो शुगर को और थोड़ा सा आटा बीच में मिक्स करके आप एंट्स को फीड करने की कोशिश कीजिए. ये आपको बहुत बड़ी नेगेटिविटी से बचाएगा. अगर आपको अपने बच्चों के साथ में इश्यू है कि आपके बच्चे स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो ट्राई टू डोनेट बुक्स, पेंसिल, आप ये उस दिन डोनेट करने की कोशिश कीजिए जो किसी भी हेल्पलेस है या किसी को जरूरत है. बहुत सिंपल टिप है, बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ, लेकिन खास तौर पे इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस बार लूनर एक्लिप्स के ऊपर में आपको अपने आपके गुस्से पे कंट्रोल करना. आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को आपको गलत वर्ड्स नहीं बोलने. आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो फॉरगेट इट फॉर अ टाइम बीइंग. लेकिन अगर आप ये वक्त निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखिए आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट्स विल बी रिमार्केबल. ऑसम रेवा जी, व्हाट वेल्थ ऑफ नॉलेज. लिसनर्स, व्यूअर्स, आप जानते ही हैं हर थर्सडे को 4 PM पैसिफिक टाइम एंड 7 PM ईस्टर्न टाइम पर रेवा जी आती हैं, आप सबके साथ जुड़ती हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर. अगले गुरुवार को भी हम जरूर हाजिर होंगे एक नया टॉपिक, एक नई टिप के साथ. मीनवाइल रिमेंबर, अगर आप रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, द नंबर टू रीच रेवा जी इज 5108683338. यदि आप शो को फिर से सुनना चाहते हैं या अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं, रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज पर आप जरूर जाएं और इस शो को दोबारा देखें और इसे फॉरवर्ड करें. रेवा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सुनीता. थैंक यू. थैंक यू. जय माता. विल सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.